हेलो स्टैंडर्ड सिक्स स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन हियर. नाउ इन अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड लेसन नंबर 5, मोर MSW लोगो कमांड्स. नाउ इन MSW लोगो वी आर कंटिन्यूइंग इन लेसन नंबर 6, रिपीट एंड प्रिंट कमांड्स. स्पेशली टू कमांड्स वी विल लर्न इन दिस लेसन, रिपीट एंड प्रिंट कमांड. हियर इज अ conversation about Toggle and Google. Go to page number 58. Guess up. Okay. Toggle. Tell me, Google, can you draw this figure? Google said, I can give it a try. I feel the same set of commands would be repeated for drawing this figure. देखो, आपको याद आया, आपने जब फिफ्थ में स्क्वेयर सीखा था, ट्रायंगल सीखा था, रेक्टेंगल, तो उसमें क्या था, सेम नंबर आपको बार बार देने पड़ते थे, सेम कमांड आपको यूज़ करना पड़ता था, FDRT FDRT. डू रिमेम्बर ना? बट यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या है. टोगल सेड, यू आर राइट, बट गेस व्हाट, यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कमांड. टोगल बोल रहा है गूगल से कि वैसे तो हम रिपीट करते हैं कमांड को, बट गेस करो कि ये नंबर को हम रिड्यूस कर सके, बार बार नहीं लिखना पड़े. तो गूगल से, दैट्स नाइस, व्हाई डोंट यू टेल मी अबाउट इट, तो मुझे जल्दी बताओ, क्यों नहीं बता रहे हो. टोगल से, ऑल राइट गूगल, लेट अस लर्न सम मोर कमांड. तो दूसरे भी कमांड है जिससे हम ये नंबर कम कर सकते हैं. तो पहला है रिपीट कमांड. To understand the usefulness of the repeat command, enter the following commands. पहले तो हमें repeat command समझने के लिए ये जो commands लिख रहे हैं square के लिए वो हमें लिखने पड़ेंगे, enter करने पड़ेंगे. कर लिया, फिर last पे क्या लिखा है, HT, height turtle. जैसे आप height turtle करोगे square बन गया. देखो figure 6.1 में you will get a square. square आपको मिल गया. अब आपको क्या करना है, फिगर में क्या लिखा है, अ स्क्वेयर ऑफ साइड्स 100 यूनिट्स. साइड्स है वो 100 यूनिट की, चार साइड है स्क्वेयर की. अब जाओ पेज नंबर 59 पे. 59 पे देखो ऊपर की तरफ, इन द अबव एग्जांपल अ सेट ऑफ कमांड्स वॉज रिपीटेड 4 times. इसमें जो कमांड है उसके जो कमांड रिपीट हो रहे हैं कितनी बार, 4 times, बिकॉज इट इज स्क्वेयर. तो चार साइड हो गई उसकी. पहली है फर्स्ट टाइम, देखो FD 100 RT 90 FD 100 RT 90. सेकंड टाइम, थर्ड टाइम FD 100 RT 90, और फोर्थ टाइम FD 100 एंड RT 90. द सेम प्रोसेस कैन बी परफॉर्म इन जस्ट वन लाइन यूजिंग द रिपीट कमांड. अब रिपीट कमांड्स हम ये सब एक ही लाइन में फिनिश कर सकते हैं. वो हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे देखो, रिपीट, रिपीट कमांड के लिए हमें पूरा रिपीट का सही स्पेलिंग लिखना पड़ेगा. जब हम इसको टाइप करेंगे तब रिपीट का कमांड, सॉरी स्पेलिंग सही लिखना है, REPEAT, रिपीट, फिर स्पेस 4, स्पेस फिर स्क्वायर ब्रैकेट. इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ये जो है ना, आई विल शो यू, दिस वन इज अ स्क्वायर कमांड, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट. समझ में आ रहा है? हाँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट है. तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना है, 4 के बाद स्पेस, स्पेस के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें FD स्पेस 100, फिर से स्पेस RT स्पेस 90 और ब्रैकेट ओवर. ये एक ही लाइन का कमांड आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर. आपको ये चार बार जो ऊपर लिखने की ये ज़रूरत नहीं है, नो नीड, बिकॉज यहाँ पे रिपीट 4, ये पूरा एक कमांड है जो स्क्वेयर बनाने के लिए एक लाइन का. तो उसको कितनी बार रिपीट किया, रिपीट 4, 4 times रिपीट किया, इसलिए 1 2 3 और 4 हो गया स्क्वेयर. इसी इस हिसाब से रिपीट कमांड है वो वर्क करता है. हो गया ना, इजी, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना. उसके बाद यहाँ पे जो है सर्कल, सर्कल बनाने के लिए भी देखो, रिपीट 100 times. क्या 100 times रिपीट करना है, तो
तो ब्रैकेट में FD 10 और RT 5, इसका मतलब है कि आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ये जो रिपीट कमांड है, टोटल है 100 टाइम्स पूरा ऐसे टर्न लेगा वो, 5 5 टर्न लेगा, देखा RT 5, तब जाके ये पूरा सर्कल बनता है, राइट। उसके बाद है ड्राइंग पॉलीगॉन्स। ड्राइंग पॉलीगॉन्स मीन्स क्या है, वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग्स टू डू इन MSW लोगो इज टू यूज़ द टर्टल टू ड्रॉ डिफरेंट पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स को यूज़ करना और यहाँ पे फिगर बनाना लोगों में बहुत ईजी है। नोटिस दैट इन ऑर्डर टू ड्रॉ क्लोज पॉलीगॉन, द टर्टल हैज़ टू वॉक अराउंड द एजिस। मतलब वो एजिस मीन्स उसकी जो बॉर्डर होती है लेवल पे वो वर्क करेगा, मतलब कि वो टर्न लेगा 360 डिग्रीज बिफोर कमिंग बैक होम। वो मतलब कि होम पे आएगा तब तक वो पॉलीगॉन से वो 360 डिग्री घूम सकता है ईच साइड से। नेक्स्ट ओके, ये पॉलीगॉन्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। अभी हम इतना ही समझेंगे कि पॉलीगॉन्स ड्रॉ करते हैं हम, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमें ज़्यादा डीप में समझाऊँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।